मॉमीज जर्नी। सो आज के वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ हमारे बेबी का ऑटोमेटिक स्विंग क्रैडल, यस झूला। सो वी आर वेरी हैप्पी विद दैट क्रैडल, इसीलिए मैं ये वीडियो करना चाहती हूँ ताकि आप सब भी देखें और जाने। सो ये क्रैडल एक्चुअली हमारा बेबी तो उसमें बहुत अच्छे से सोता है, बहुत कंफर्टेबल फील करता है। ये ऑटोमेटिक है, सो या हमें उसको झुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप स्विंग हो जाएगा, बटन दबाने से स्विंग हो जाता है। उसमें स्पीड सेटिंग्स भी है और म्यूजिक ऑप्शंस भी है, सो इसीलिए हमें तो बहुत अच्छा लगा क्रैडल। सो आप सब भी हमारा क्रैडल देखना चाहेंगे, सो लेट्स गेट इन द वीडियो। सो दिस इज आर क्रैडल, ऑटोमेटिक स्विंग कम म्यूजिक क्रैडल। ये हमने अमेजोन से लिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसमें 3 कलर्स अवेलेबल थे, ब्लू, पिंक, ब्राउन, तो हमने ब्लू प्रिफर किया है। ये ऊपर का पार्ट कैनोपी बोलते हैं, जो कवरिंग है, ये हाफ मस्कीटो नेट है और हाफ क्लॉथ है, तो मस्कीटो से प्रोटेक्शन के लिए है। और हाफ क्लॉथ इसीलिए ताकि बेबी के फेस पे लाइट ना गिरे, वो इरिटेट हो जाते हैं बच्चे लाइट होने से, तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, नहीं चाहिए तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए ये वेलक्रो स्टिकर जैसा है, इसको निकाल के हम इजीली ऐसा जस्ट निकाल सकते हैं। सो या देखिए मैं अभी इसको रिमूव कर रही हूँ, तो यहाँ पे 2 साइड्स ऐसे दिए हुए हैं, यहाँ से हम इसको लगाना या निकालना कर सकते हैं, काफ़ी इजी है निकालना भी। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इसको ऐसा पुल करके ऐसा निकाल देना है। ये देखिए मैं अभी निकाल रही हूँ, जस्ट देखिए निकाल दिया, हो गया, इतना सिंपल है। और इसको कैसे लगाएंगे, इसको ऐसा प्रेस कर देना है, क्रैडल के मिडिल में लगा के ऐसा प्रेस कर देना है, बस लग गया। तो अब मैं इसको एक्चुअली निकाल देती हूँ यहाँ से, या निकाल के आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए हैंगिंग्स हैं इसके ऊपर, कुछ ऐसे हैंग करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे टॉयज़ कुछ हैंग करने से बेबी बहुत खुश हो जाते हैं, पसंद करते हैं। अब मैं यहाँ से पूरा निकाल दे रही हूँ, निकाल के आपको दिखाऊंगी। यहाँ से हम स्टिकर भी निकाल के कम्प्लीटली निकाल दे रही हूँ। सो आप समझ गए होंगे अभी इसको कैसे लगाना है, निकालना है। जैसे मैं निकाली हूँ सेम वे उसको लगाना भी। तो ये देखिए निकालने के बाद ये क्रैडल ऐसा दिख रहा है। तो क्रैडल एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, 1 to 1.5 ईयर बेबी इजीली इसमें सो सकते हैं। देखिए विड्थ भी काफ़ी है, बेबी को कंफर्टेबल रहेगा इसमें सोने से। और नीचे ऐसा कुशन दिया हुआ है, मैट्रेस काइंड, बेबी को सॉफ्ट फीलिंग होने के लिए, अच्छा है, सॉफ्ट है। और नीचे ऐसा बेस है इसका, स्टिफ बेस है, तो ये 15 to 20 केजीस वेट इजीली बेयर कर सकता है। देन कमिंग टू फैब्रिक, ये देखिए काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, स्टाइलिश है, ऐसा हैंग करते हुए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इसको इजीली हम डिसेंबल असेंबल कर सकते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है इसको ऐसा प्रेस करके, ऐसा प्रेस करके इसको ऐसा पुल कर देना है, लगाना है तो इसमें लगा देना है। देखिए इस साइड भी, इस तरफ भी है, आई विल शो यू। ये देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है ना, इसको ऐसा प्रेस करना है अंदर, देखिए प्रेस कर रही हूँ और ऐसा पुल करना है। यहाँ पे भी है, ऐसा प्रेस करना है, पुल करना है। अगर लगाना है तो ऐसा प्रेस करके इसमें लगा देना है, फिट करना है बस। तो ये एक पार्ट हो गया, देन नीचे का अलग पार्ट है, मैं आपको साइड में पिक्चर्स दिखा रही हूँ, आप देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे भी एक और है, यहाँ पे ऐसा प्रेस करके निकालना है या फिर ऐसा लगाना है, तो ये सेपरेट हो जाएगा। जहाँ जहाँ ये पॉइंट्स हैं वहाँ से आपको इसको लगा देना है। ये देखिए मेटल है या प्लास्टिक नहीं है। तो अब चलिए देखते हैं इसका मेन सिस्टम जहाँ पर, वहाँ पर ये देखिए यहाँ पे सारे बटन्स हैं, ये पावर बटन है और ये टाइमर है, ये म्यूज़िक बटन है, चेंज कर सकते हैं यहाँ से म्यूज़िक एंड ऑल, ये वॉल्यूम बटन है, इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्विंग का
कैटेगरीज है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है, ये पावर बटन है, तो यहाँ पे मेन सिस्टम है। तो चलिए अभी इसे ऑन करते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने पावर ऑन किया है प्लग को, तो यहाँ पे भी पावर बटन प्रेस करना है, ऑन हुआ अभी, ये ऑन करने से ही ऑन होगा। देखिए लाइट्स दिख रहा है, तो आप जिसको जहाँ पे प्रेस करेंगे वहाँ लाइट रहेगा। देखिए 1 पे है तो 1 पे लाइट रहेगा। अब ये स्विंग होना शुरू करेगा, 1 बहुत मिनिमम है तो बहुत ही हल्का सा ये स्विंग होगा धीरे से। देखिए अभी मैं 2 प्रेस करूँगी, थोड़ा स्विंग ज़्यादा होगा, ये थोड़ा इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट 3, देखिए और ज़्यादा हो रहा है स्विंग। देखिए मैंने म्यूज़िक ऑन कर दिया है, इसको दबाएंगे, देखिए म्यूज़िक चेंज हुआ, तो यहाँ से चेंज होता है। अभी 5 में है स्पीड, मैं 6 कर दी हूँ, और ज़्यादा स्विंग होगा अभी। देखिए ऐसे म्यूज़िक प्ले होते हुए बेबी इसमें आराम से सोते हैं, ये म्यूज़िक भी उनके लिए सूदिंग रहता है ताकि उनको अच्छे से नींद आए, कंफर्टेबल रहे। मैंने अभी इसको ऑफ़ कर दिया। देखिए चाहिए तो यहाँ पे पेन ड्राइव रखें, हम लोग अपनी मन मर्ज़ी की म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं। इसके अंदर बैटरी सिस्टम है, यहाँ पे बैटरी रहता है, बगल में फ़ोटो देखिए, मैं इसको खोल नहीं सकती। हम तो अभी इलेक्ट्रिक से चला रहे हैं, इससे भी कर सकते हैं नहीं तो बैटरी से, नहीं तो ऐसा रिमोट सिस्टम भी है वहाँ पर यूज़ नहीं करना तो ये ऐसा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम प्लस माइनस है, म्यूज़िक यहाँ से ऑन होता है, ये स्टॉप है, ये सब नंबरिंग है, रिमोट भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। देखिए मटेरियल बहुत अच्छा है, मेटल है, काफ़ी अच्छा है। फिर यहाँ पे नीचे देखिए ऐसा कॉर्नर्स में दिया हुआ है ताकि ये स्लिप ना हो, एंटी स्लिप एंटी टिपिंग। और यहाँ पे स्विंग लॉक है, हमें स्विंग नहीं चाहिए तो ऐसा लॉक कर सकते हैं, तब ये स्विंग नहीं होगा। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा स्विंग नहीं होना हमें स्पीड में, तो इसको ऐसा डाल देंगे तो ये लिमिटेड में स्पीड रहेगा। अभी देखिए मैंने खोल दिया तो अभी ये अच्छे से ऐसे खुल के स्विंग होगा, आपको ज़्यादा नहीं चाहिए तो वो लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू, देखिए हैंडल है बोथ द साइड्स, इसको ऐसा इजीली हम लिफ्ट कर सकते हैं, लाइट वेटेड है, एक रूम से दूसरे रूम तक आसानी से ले जा सकते हैं। देखिए ऐसा पुश कर, कितना सिंपली से मैं एक हैंड से पुश कर दे रही हूँ, इतना लाइट वेटेड है, ऐसे हम एक रूम से दूसरा रूम लेकर जा सकते हैं इसको बहुत ईजी। देखिए यहाँ पे स्पीकर्स हैं, यहाँ से साउंड बाहर आती है, तो इसमें एक अच्छे नेचुरल म्यूज़िक भी है जो बेबी पसंद करते हैं, नेचर में जो म्यूज़िक्स होते हैं वो सब। ये टाइमर है, देखिए यहाँ पे मैं ये बोलना भूल गई थी, 15 मिनट्स 30 मिनट्स 45 मिनट्स, ऐसा नहीं चाहिए तो आप ऑफ कर सकते हैं। टाइमर रखने से क्या होता है कि जितना देर आप टाइमर रखेंगे उतना देर स्विंग होगा, म्यूज़िक बजेगा, फिर ऑफ हो जाएगा, नहीं तो टाइमर नहीं रखेंगे तो ऐसा चलता रहेगा। देखिए मेरा बेबी कितना अच्छे से सो रहा है। तो या आप सबने क्रैडल देख लिया है, आई होप आपको पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद है, हमारे घर पे सारे लोगों को बहुत पसंद है, बिकॉज किसी को भी उसे स्विंग करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बेबीज जब सोते हैं तो उनको कंटिन्यूअसली क्रैडल स्विंग होते ही रहना है, अगर वो रुक गया तो वो उठ जाते, तो ऐसा बैठ के हमें स्विंग करना तो बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए ये बटन दबाने से वो स्विंग होता रहता है। हमारा बेबी आराम से 2 to 3 hours वो सो जाता है, जब वो हंग्री फील होता है तभी उठता है, वरना नहीं उठता है, तो इसीलिए वी आर वेरी हैप्पी विथ इट। थोड़ा कॉस्ट ज्यादा है एक्चुअली, ये 6800 में हमने लिया, इसका एक्चुअल कॉस्ट है अराउंड 10,000, थोड़ा कॉस्टली है, बट स्टिल ये एक लाइफ सेवियर है माना जाए तो न्यू मॉमीज के लिए, इतना इजी हो जाता है हमारा लाइफ। ऑलरेडी हम एक बेबी से इतने लाइक सफर होते हैं वो न्यू बॉर्न बेबी को लेके, तो और ऊपर से बैठ के स्विंग करो होल नाइट तो बहुत मुश्किल है। हमारा बेबी तो वंस इसमें नाइट भी सोता है, नाइट भी वो आराम से सो जाता है, बहुत पसंद करता है, उठता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसमें प्रिफर कर रहे हैं डालने के लिए। सो हमारा बेबी का प्रेजेंट बोला जाए तो ये बहुत फेवरेट है, अभी उसका क्रैडल उसके लिए बहुत फेवरेट है, तो इसीलिए मुझे लगा कि बहुत सारे मॉमीज को हेल्प हो जाएगा। सो आप भी ऐसे वाले क्रैडल खरीदिए, बहुत अच्छा रहेगा आपको। सो आप सबको क्रैडल कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके कमेंट्स कीजिए, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज हिट लाइक बटन, और उसके बाद आपको क्या करना पता है, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल मॉमीज जर्नी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।